वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इसे आप लोग ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। अब मेरे हाथ में एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, ये जिस पेशेंट की है आज हम लोग उस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनके साथ हुआ ये था कि कुछ दिन पहले इनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सेम ऐसा ही पॉजिटिव आया था जैसा आप देख सकते हैं। और इस केस में क्या था कि अभी पेशेंट को प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखनी थी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, तो इन्होंने घर पर किसी को बिना बताए बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से जाके प्रेगनेंसी ख़त्म करने वाली जो दवाइयाँ आती हैं उनका सेवन कर लिया। अब इनको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई लेकिन पेट में दर्द इनका लगातार बना हुआ था और प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स भी इनको शो हो रहे थे। फिर फाइनली जब कल इनसे प्रॉब्लम सहन नहीं हुई, पेट में दर्द ऐसा ही था, ब्लीडिंग भी नहीं हो रही थी, तो इन्होंने हमारे पास विजिट किया। और जब मैंने इनके साथ इनका केस डिस्कस किया तो मुझे इनके अंदर एप्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण दिखाई दिए जो कि हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और फिर मैंने इनका तुरंत ही एक अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में पता लगा कि इनकी जो राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर एक जिंदा बच्चा है और ये ट्यूब कभी भी फट सकती है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वैसे यूजली जो एप्टोपिक प्रेगनेंसी है वो 3 मंथ तक भी ग्रो हो सकती है। इस केस में चूंकि प्रेगनेंसी के दिन ज़्यादा हो गए थे तो हमने इन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो ऑपरेशन हो गया, बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। देखिए, ऑपरेशन कराने के भी अपने कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस केस से सबक ले सकें और वो गलतियाँ ना करें जो कि इस पेशेंट ने अपने साथ की थी। पहली गलती ये थी कि इन्होंने बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के, बिना सलाह के खुद से प्रेगनेंसी ख़त्म करने वाली दवाइयाँ खा ली। अगर ये तुरंत डॉक्टर से सलाह लेते तो हम लोग जल्द से जल्द प्रेगनेंसी का पता कर लेते कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर हमें कम दिनों की प्रेगनेंसी में पता लग जाता कि ये एप्टोपिक प्रेगनेंसी है तो एप्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं अलग से, उसको खाकर एप्टोपिक प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एप्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर आप लोग नॉर्मल प्रेगनेंसी ख़त्म करने वाली दवाइयों का उपयोग करते हैं तो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, जैसा कि इस केस में इनके साथ हुआ। दूसरी बात ये है कि चूंकि प्रेगनेंसी के दिन ज़्यादा हो गए थे तो इनको ऑपरेशन कराना पड़ा। जब हम लोग एप्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑपरेशन करते हैं तो जिस भी साइड एप्टोपिक प्रेगनेंसी होती है गाइस, उस साइड की फेलोपियन ट्यूब और अंडेदानी को निकालना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी महिला के शरीर में 2 अंडेदानी, 2 फेलोपियन ट्यूब और ये फेलोपियन ट्यूब ऐसे बच्चेदानी के साथ अटैच होती है। अब इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि किसी भी महिला को 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एप्टोपिक प्रेगनेंसी का जब ऑपरेशन होता है तो एक साइड की फेलोपियन ट्यूब और अंडेदानी निकल जाती है, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो चांसेस ऑपरेशन से पहले 100% थे वो ऑपरेशन के बाद मात्र 50% रह जाते हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि आप आगे प्रेगनेंसी कंसीव तो कर लेंगे लेकिन उसके जो चांस हैं वो सिर्फ 50% रह जाते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ये भी होती हैं कि अंडेदानी निकलने के बाद फीमेल बॉडी में जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है, जो कि पीरियड्स को रेगुलर करता है, वेट गेन को रेगुलर करता है और जो मेल हार्मोन है उसको ये बढ़ने से रोकता है, इनमें फ्लैक्चुएशंस आता है और ये हार्मोन कम हो जाते हैं, जिससे चेहरे पर बाल आना, पीरियड्स की प्रॉब्लम रहना, पीरियड्स का टाइम पर ना आना, आपकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, आपका वेट गेन होने लगता है और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। ये सब बातें मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये सब गलतियां ना करें। इस वीडियो को आप लोग शेयर करके दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का अच्छे से पता लगे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन पेशेंट के अंदर मैंने कौन कौन से एप्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण देखे थे जिसके आधार पर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन इस इंट्रो के बाद। तो
गाइस आगे हम लोग एप्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में बात करने से पहले जानते हैं कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी किन महिलाओं को ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। अब देखिए इस केस में क्या था कि इनको क्लैमिडिया इन्फेक्शन हुआ था जिससे इनकी बच्चेदानी में सूजन आ गई थी और रसोली हो गई थी और इनका ट्रीटमेंट भी हुआ था लेकिन फिर ये प्रोन हो चुके थे एप्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। तो कुछ आइडिया तो मुझे इस बात से ही लग गया था लेकिन जो ज़्यादा केसेस होते हैं जिनमें महिलाओं को एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने का खतरा रहता है वो हैं अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं जैसे PCOD, PCOS, अंडेदानी में रसोली है, सिंपल ओवरियन सिस्ट, फोलिकुलर सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, या फिर आप कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं जैसे गर्भ निरोधक गोलियां 21 दिन वाली होती हैं, या PCOD का ट्रीटमेंट ले रहे हो, या थायराइड का ट्रीटमेंट आप लोगों का चल रहा है, या फिर आप एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मिसयूज कर रहे हो, मतलब कि 6 महीने में बारी बारी इसका यूज़ कर रहे हो। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 6 महीने में एक बार लेनी होती हैं लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग इस पिल का मिसयूज करते हैं, बारी बारी इसको खाते ही जाते हैं टॉफी की तरह। तो अगर आप लोग इन पिल्स का यूज़ कर रहे हैं बारी बारी तो भी आप लोग एप्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए प्रोन हो जाते हैं। दूसरा है कि अगर आपका फिजिकल रिलेशन ड्यूरिंग पीरियड्स होता है, मतलब कि पीरियड्स की ब्लीडिंग चल रही है उस टाइम आप लोगों का अनसेफ रिलेशन हो रहा है, या फिर अगर प्राइवेट पार्ट से आपको किसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम पर अगर आप लोगों का फिजिकल रिलेशन होता है, या फिर अगर आपको प्रीवियसली एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, या आपकी अंडेदानी में कोई सिस्ट है, ट्यूमर है, या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या उसकी सर्जरी हुई है जैसे कि ट्यूबोप्लास्टी, या फिर आपकी जो बच्चेदानी है जो यूट्रस होता है उसके अंदर पॉलिप है, फाइब्रॉयड है, ट्यूमर है, या आपकी बच्चेदानी के मुंह में सूजन है, या बच्चेदानी के अंदर सूजन है, या आपको पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़ है किसी बीमारी के कारण, तो आप लोगों को एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला लक्षण तो ये है कि आप लोगों के पीरियड्स नहीं आते हैं। दूसरा लक्षण ये है कि जब पीरियड्स नहीं आएंगे तो पीरियड्स की ब्लीडिंग नहीं होती है, और पीरियड्स की ब्लीडिंग तभी होगी अगर आप लोग कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि आप अगर घरेलू उपाय करते हैं, काढ़ा बनाकर पीते हैं, कोई गर्म चीज़ें खाते हैं, या कोई जड़ी बूटी ले रहे हो, या आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई मेडिसिन खा रहे हो पीरियड्स की ब्लीडिंग को इंड्यूस करने के लिए, तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ये ब्लीडिंग वैसी ब्लीडिंग नहीं होगी जैसा कि आपके नॉर्मल पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग हो सकता है आपको थोड़ी बहुत ही हो, स्पॉटिंग हो, खून के धब्बे आपको देखने को मिले, ब्राउनिश टाइप का आपको डिस्चार्ज देखने को मिले, या फिर आपको क्लॉट्स पास आउट हो, या हैवी ब्लीडिंग हो, परंतु यह जो ब्लीडिंग है यह आपके पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग से बिल्कुल अलग ब्लीडिंग होगी। नंबर 3, जब आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो टेस्ट कार्ड में आपको एक हल्की लाइन शो होगी, और अगर आप लोग दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो भी ये जो लाइन है ये डार्क नहीं होगी। अगला लक्षण ये है कि जिस भी साइड आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांट होगी, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड, उस साइड पर आपको चुभन महसूस होगी, आपको तेज दर्द महसूस होगा, जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हो इन दोनों साइड पर फैलोपियन ट्यूब होती है। अगर किसी पेशेंट को एप्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांट होगी फैलोपियन ट्यूब या ओवरी में, तो इस साइड पर किसी भी साइड उनको तेज दर्द हो सकता है। साथ ही आप जब यूरिन पास करेंगे तब भी आपको पेट में मरोड़े महसूस होंगे, आपको चुभन महसूस होगी, अगर आप लोग मोशन पास करेंगे तो भी आपको पेट में दर्द हो सकती है, क्रैम्पिंग आपको हो सकती है। एप्टोपिक प्रेगनेंसी में 100 में से 30 महिलाओं को शोल्डर पेन होता है, जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हो कि इस जगह पर आपको कंधों में दर्द होता है। इसके अलावा एप्टोपिक प्रेगनेंसी जब ग्रो होती है तो लगभग 6 वीक से लेके 8 वीक के बीच में आपको तेज ब्लीडिंग या लाइट ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग से बिल्कुल अलग होती है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के सारे साइन और सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि सुबह के टाइम मितली आना, उल्टी आना, या फिर सारा दिन आपको उल्टी जैसा लग सकता है जिसे हम लोग नोजिया बोलते हैं, आपकी ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, आपके लोअर एब्डोमेन एरिया में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, आपको घबराहट, बेचैनी, चक्कर जैसा महसूस हो सकता है, आपके मुंह का टेस्ट बदल जाता है,
आपकी जो सूंघने की शक्ति है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होगी वैसे वैसे आपको प्रेगनेंसी होने पर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैंने लक्षण बताए हैं ये लक्षण तेज होते जाते हैं। आपके पेट में दर्द कंटिन्यूसली बनता रहेगा, आप लोग पेन किलर खाएंगे तो भी आपको उससे आराम नहीं होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका इलाज क्या होता है। तो देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आप लोग पहला तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हो। अब टेस्ट करने पर आपको एक हल्की लाइन शो होगी, और अगर आप लोग एक दो दिन के बाद दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो ये लाइन वैसी ही आपको दिखती रहेगी, ठीक है। सामान्यतः ये लाइन जो है ये गाढ़ी हो जाती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर ये उतनी गाढ़ी नहीं होगी जितना सामान्यता होती है। अगला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड का नाम है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जो कि आप लोग डॉक्टर की स्लिप के बिना नहीं करवा सकते हैं। नंबर तीन, आप लोग कुछ ब्लड टेस्ट करवा कर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि सीरम बीटा SCG। इसके अलावा आप लोग अगर किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो हम लोग आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पूरा केस आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, और इसके थ्रू भी पता लग जाता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं। तो आइए आगे हम लोग जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या ट्रीटमेंट होता है, इसका इलाज कैसे होता है। तो देखिए अगर आपकी कम दिनों की प्रेगनेंसी है, कहने का भाव ये है कि अगर आपको लगभग 5 से 6 हफ्तों की प्रेगनेंसी है तो आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती है खाने के लिए, और कुछ इंजेक्शन फॉर्म में आपको दवाइयाँ लगाई भी जाती हैं जिससे आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। इसमें आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दिन ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है उसके फटने के चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इनफैक्ट हम लोग पेशेंट को बेड से उतरने के लिए भी मना करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। इस ऑपरेशन में 2 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। पहला है चीरा लगाकर ऑपरेशन करना, जिसमें आपको 3 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, पेट में टाके भी आते हैं। और जो दूसरा ऑपरेशन है वो दूरबीन से किया जाता है लैप्रोस्कोप के द्वारा, जिसमें आपके पेट के अंदर दूरबीन डाली जाती है। इसमें भी आपको स्टिच आता है एक हर जगह पर जहाँ पर दूरबीन डाली जाएगी, लेकिन इसमें जो डिस्चार्ज है आपको दूसरे दिन दे दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।